सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइस यार, क्या आपने भी न्यू बोया का माइक लिया है, बोया बाई M1? या आपका कोई सा भी माइक्रोफोन आपके PC में वर्क नहीं कर रहा है तो यार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। पूरी सेटिंग्स में बताने वाला हूँ कम्प्लीट, और उसके बाद आपका माइक 101% वर्क करेगा ही करेगा। सबसे पहले मैंने इस माइक को निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ इसमें मैंने एक सेल लगा लिया है जो कि इसके साथ में ही आता है। एंड देन गाइस, उसके बाद मैं इस माइक को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। एंड देन गाइस, इसके बाद मैंने इसको अपने कंप्यूटर में यहाँ पर लगा लिया है। ऊपर की तरफ मेरे स्पीकर लगे हुए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आपको सिंपली अपने कंप्यूटर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग आप सर्च कर लोगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। और जैसा कि यार आप देख सकते हो कि नीचे जो माइक है इसके साइड में एक चीज़ बनी हुई है, और ये इस टाइम ज़रा से भी ब्लिंक नहीं कर रही है। अगर हमारा ये माइक काम कर रहा होता है तो ये चीज़ यहाँ पर ब्लिंक कर रही होती है, जैसे कि हम बोल रहे होते हैं इसकी वॉइस सुन करके। सिंपली यहाँ से आपको फिर दोबारा एक बार सर्च में आना है और यहाँ पर लिखना है कंट्रोल पैनल। तो मैं यहाँ कंट्रोल पैनल में आ चुका हूँ, और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ है, इसका नाम है हार्डवेयर एंड साउंड। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर ऐसे एक साउंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ मैं साउंड पे क्लिक कर देता हूँ, और ऊपर आप देखोगे यहाँ प्लेबैक है, एक रिकॉर्डिंग है, तो मैं रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ देख सकते हो माइक्रोफोन, जिसकी ये साइड की चीज़ें ज़रा सी भी ब्लिंक नहीं कर रही हैं। तो ये इसलिए कि हमारा माइक इसमें नहीं काम कर रहा है। तो सिंपली इसे सेट कैसे करना है आपको यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर आकर के आपको इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और ये प्रॉपर्टीज़ पर आ जाना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसका नाम है लेवल। लेवल पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि ये माइक्रोफोन बूस्ट वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल ज़ीरो है। एंड देन इसको आपको फुल कर देना है, और सिंपल से इसको यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद आप देखोगे कि ये चीज़ हमारी ब्लिंक करने लगी है। और आप इस वाले जगह पर भी आप देख सकते हो कि यार यहाँ पर भी ये चीज़ अब ब्लिंक करने लगी है, तो इसका मतलब हमारा माइक काम कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरी वॉइस। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि यार इसकी कुछ एडवांस सेटिंग भी होती हैं, कि हमें वो एडवांस सेटिंग कैसे करनी है। रियलटेक HD ऑडियो मैनेजर, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये इस वाले पेज पे आप आ जाओगे, और यहाँ से इस माइक्रोफोन पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नॉइज सप्रेशन, तो यहाँ पर आप इसकी नॉइज सप्रेशन ऑफ कर सकते हो। और जो इको है, जो बैकग्राउंड में हमारे साइड इको टाइप का कुछ आता है होल टाइप का, इसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ नॉइज सप्रेशन ही एक्टिवेट कर रखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है उनको सोल्यूशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।